नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो है पिछले दिनों पढ़ा वैद्युत धारा आई, ठीक है। तो आई के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि NeAVD, यही पढ़ा, ठीक है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्षेत्रफल है, और VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में होते हैं वो जब कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा नष्ट हो जा रहा है, तो फिर ऊर्जा आता कहाँ से है। तो आपको हम बताएं कि ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरा जो है तीसरे को ट्रांसफर करता है, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करता है। कब? जब टकराते हैं तब। तभी तो इधर 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 उधर कहीं भी ये गति करते रहते हैं, ऐसे गति करते हैं, ठीक है। और ये जो गति करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब समझिए, जैसे ही यहाँ टकराता है, तो जब टकराया तो उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी हुई वो तो कम हो गई ना। तो ये क्या हुआ कि फिर इधर गया वापस। क्यों? क्योंकि ये जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर जैसे ही रखते हैं, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज हो, आवेश हो, ई, तो इस पर एक प्रकार का बल कार्य करेगा। और वह फोर्स जो है आप जानते हैं कि F=Q×E होता है। तो Q के जगह पर E है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, और E तो वैद्युत क्षेत्र है ही, तो ये F बराबर है ना। और F बराबर होता है M×A। अब देखिए कि E×E हो गया, तो A बराबर हो जाएगा E×E/M। तो ये एक त्वरण जनरेट हुआ। इस त्वरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गति जो है धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस त्वरण के कारण धीरे धीरे इनकी गति क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जाता है अगले में, टकरा जाता है अगले में, क्या होता है, टकरा जाता है। और जब टकराता है तो फिर उस पर जो है इसी ई के कारण फिर ऊर्जा उत्पन्न, त्वरण उत्पन्न होता है, फिर वो चलना शुरू करता है। यही काम बार बार होता रहता है। तो दिशा, डायरेक्शन इसका क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो ये डायरेक्शन बदलते रहते हैं, इसी के कारण, डायरेक्शन बदलने के कारण औसत जो वेग होता है, औसत वेग, ठीक है, तो औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब अगर इसमें एन इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, एन इलेक्ट्रॉन हो, और इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि वी, और टी समय बाद टी है, तो वी टी अगर इनकी वेलोसिटी है हर एक एक इलेक्ट्रॉनों का, तो एन इलेक्ट्रॉन है तो औसत वेग हो जाएगा 1/N×VT, यही होगा। अब टी बराबर, ये टीवे इलेक्ट्रॉन के लिए है, टी लिखा जा रहा है टीवे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर हम इनको जोड़ दें सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये इसे टी बराबर 1 से लेकर एन तक कर दें, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, यानी जो औसत वेग होगा, औसत वेग, ठीक है। तो औसत वेग सिग्मा ऐसे लगाएंगे, मतलब वेगों का योगफल, अलग अलग योगों का योगफल बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी टी, यहाँ वी टी, और टी बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, और पूरे का बटा एन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि इसी को 1/N, और ये सिग्मा टी बराबर 1 से एन तक, और ये वी टी लिखा जाए तो ये हो जाता है 0, जहाँ टी बराबर 1, 2, 3, ये 0 के बराबर होता है। ये औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है।
और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण क्या होता है, ए होता है। और त्वरण जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है अगर एफ है तो एफ बराबर होता है ए इंटू एम, और यही बल एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई से ई इंटू ई, ई पर ऋणात्मक आवेश होता है तो माइनस ई रखा जाएगा। इसका मतलब ए इंटू एम बराबर माइनस ई इंटू ई, ई आवेश है, ई वैद्युत क्षेत्र है। कब, जब वैद्युत क्षेत्र में कंडक्टर को रखा जाएगा तब, तो यहाँ से ए जो ए त्वरण है वह निकल जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपान एम, ये त्वरण तो आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्वरण मिल गया, जब हमें त्वरण पता हो गया तो हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो आप जानते हैं कि जो वी होता है वो भी आप जानते हैं कि जैसे लिखते हैं ना कि वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, ये गति का समीकरण है, प्रथम समीकरण। इसी में अगर हम टी वे के लिए वी टी लिखें तो ये वी आई प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटू टी आई, आई समय। अब देखिए कि यहाँ पर ये औसत वेलोसिटी है तो औसत वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, और जो ये टी है ये समय औसत अंतराल मान लें कि टाव है, औसत अंतराल औसत समय को औसत जो समय है लग रहा है एक दूसरे से टकराने में वो औसत समय टाव, तो यहाँ पर लिख दें ए इंटू टाव। तो अब ए इंटू टाव और ए के जगह पर हम रख दें ई, तो माइनस ई इंटू ई अपान एम इंटू टाव, तो ये भी टी आ गया, क्लियर है। अब जरा आप समझिए कि जो ये वी टी है यह हम जो वी टी रखे हैं यही वी टी डिप्ट वेलोसिटी हो जाता है, तो इसी वी टी को डिप्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो इसको हम वी डी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, वी डी से, जरा यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वी डी से डिनोट करेंगे, तो यह अगर वी डी है तो अब आप समझिए कि अगर ये वी डी है तो यही बराबर हम लिखेंगे कि वी टी, टी का मतलब औसत, ये औसत औसत वेग और प्लस ए ए इंटू टी। अब ए के जगह पर हमने ये रख दिया कि यहाँ पर जीरो और ये माइनस, ए के जगह पर क्या हो जाएगा ई इंटू टी अप टाव, टाव ये है अपान एम, क्लियर है। अब जरा देखिए कि वी डी की जो मान आ गया, वी डी की वैल्यू जो आ गया, ये यही वी डी की वैल्यू है कि माइनस ई इंटू ई और टाव अपान एम। अब जरा समझिए कि यह जो है टाव जो है क्या है, समय अंतराल है, ये औसत समय अंतराल है, ठीक है, और वी डी जो है वो जो है औसत वेग है, वो क्या है, औसत वेग है। अब डेल्टा टी समय में जो दूरी होगा वो तो वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी चाल है, वी डी क्या है, चाल है, तो चाल है, और डेल्टा टी समय में दूरी अगर कहा जाए कि दूरी कितना तय हुआ तो वी डी इंटू डेल्टा टी ही तो हम लिखेंगे, इतना दूरी पार कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि इसमें अगर एन इलेक्ट्रॉन हो तो हम ये कहेंगे एकांक क्षेत्रफल में, अगर एकांक क्षेत्रफल में एन इलेक्ट्रॉन है तो आयतन जो इतना क्षेत्रफल है तो ये आयतन, ये दूरी हो गया, दूरी में जब क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा ना, ये तो दूरी हो गया, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिप्ट वेलोसिटी, समझिए कि वी डी जो है, वी डी यानी एक समय में एकांक समय में इतना दूरी तय किया, अगर क्षेत्रफल ए है तो यहाँ तक का वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वी बराबर वी डी इंटू डेल्टा टी, दूरी हो गया और ए से गुणा कर दिया आयतन हो गया, और एक एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन गुना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन एकांक घन मीटर में है, ये एन जो है एक घन मीटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहीं पर अगर हम लिखें कि डेल्टा टी समय बाद, डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, तो दूरी जो तय हुआ
वह दूरी जो हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी होगा, ठीक है। और यह आयतन जो हो जाएगा, इतने में जो आयतन होगा वह आयतन हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। अब हमें पता है कि एकांक आयतन में यदि यहाँ पर लिखें, यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन हो, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा वो स्मॉल एन इंटू वी डी इंटू टी डेल्टा टी, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए कि इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यह वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए हो जाएगा, ए क्षेत्रफल है। अब इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब प्रवाहित जो कुल आवेश होंगे वो तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा कि यही आवेश की, अब ई से गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी और डेल्टा टी, यही तो हम लिखेंगे। इतना जो है आवेश की मात्रा है, इतना ये क्या है आवेश की मात्रा है। और हमें पता है कि जो आवेश की मात्रा होता है, आवेश की जो मात्रा होता है वह आवेश होता है आई इंटू डेल्टा टी, आई तो धारा है, आई इंटू डेल्टा टी बराबर ये लिख दिया जाए एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। तो अब जरा देखिए कि आई बराबर हो गया एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, आई का मान यहाँ पर आ गया ना, बोलिए आई का मान यहाँ पर मिल गया, यह आई का मान है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो वी डी की वैल्यू है वह वी डी की वैल्यू अगर हम रख दें, ठीक है, यहीं से वी डी की वैल्यू हमने निकाला है, जो वी डी की वैल्यू ये है, ये वी डी की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आई के लिए, तो आई के लिए मिलेगा एन ई ए, और वी डी की जगह पर ये रख दें तो ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाव अपान क्या एम, तो ई में ई का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू कैपिटल ई अपान एम, और ये हो जाएगा टाव, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या मिला टाव मिला और एन ई स्क्वायर बाई एम मिला और ए मिला। अब इसी में हम आगे और आवेश घनत्व के रूप में दर्शाएंगे, तो जब यहाँ से आवेश घनत्व के रूप में, ये तो आई है ना, तो जो यहाँ ए है इसको नीचे लेकर चले जाएं तो आई अपान ए कर दें, जो यहाँ पर ए है तो ए अगर यहाँ पर आ जाएगा आई अपान ए, तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा एन ई स्क्वायर बाई एम और यहाँ पर कैपिटल ई और यहाँ पे बचेगा टाव, यही बचेगा, क्लियर है। ये जो जे होता है ये आवेश घनत्व को किसे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, तो ये जे हो गया और ई भी वेक्टर है, जे भी एक क्या है वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाता है। इसी चीज को जे को ही हम लिखेंगे एन ई स्क्वायर इंटू ई इंटू टाव अपान क्या एम, क्लियर है। तो लिखिए इसे, अनुगमन वेग जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन से संघट करता है, संघट के बाद उसी चाल से चलता है लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित बदल जाती है। यदि कई इलेक्ट्रॉनों पर विचार किया जाए जिसके लिए
अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग वेग होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग वेग होगा। यदि किसी विशेष इलेक्ट्रॉन का वेग वी आई हो तो ये आई वे इलेक्ट्रॉन, यानी विशेष इलेक्ट्रॉन का मतलब आई वे इलेक्ट्रॉन, वी आई हो तो इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, औसत वेग शून्य होता है। तो यहां पर औसत वेग बराबर ये लिखिए आई बराबर वन से लेकर, ऐसे लिखिएगा कि आई वे इलेक्ट्रॉनों का वेगों का योगफल आई बराबर वन से लेकर एन तक, और यहाँ भी आई लिखिए, और बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, इसी को ये लिखिए जो लिखा गया है वन अपान एन, और ये सिग्मा नोटेशन बनाइए, यहाँ आई लिखिए आई बराबर वन से, यहाँ एन लिखिए, और ये लिखिए भी आई बराबर जीरो बराबर जीरो। इतना तक हो गया, बोलिए। अब देखिए, जब इसे जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है। तो लिखिए जब यह चालक किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर A इंटू एम, न्यूटन का द्वितीय नियम, A इंटू एम, तथा यही F बराबर Q इंटू ई से पीछे पढ़ाया जा चुका है Q इंटू ई। तो अब Q के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के लिए E लिखिए, तो अब ये लिखिए F बराबर, ये लिखिए E इंटू कैपिटल ई, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश है तो माइनस लिखिएगा E इंटू ई, हो गया। चूंकि दोनों बल एक ही है अतः A इंटू एम बराबर स्मॉल E इंटू कैपिटल ई, माइनस में लिखिए, तो A बराबर त्वरण बराबर माइनस E इंटू कैपिटल ई अपान एम, ये लिख लीजिए, त्वरण पता हो गया, लिख लिए त्वरण सभी लोग, बोलिए त्वरण लिख लिए। अब देखिए, जब त्वरण पता हो गया तब गति का समीकरण, प्रथम समीकरण भी बराबर U+AT से, गति का प्रथम समीकरण भी बराबर U+AT से। अब लिखिए V I बराबर, यहाँ पे लिखिए स्मॉल V औसत वेग है,
स्मॉल भी यहाँ पर स्मॉल भी लिखिए, वी आई बराबर स्मॉल भी प्लस प्लस ए इंटू टी, ए इंटू टी, तो टी आई कर दीजिएगा यहाँ, आई के लिए आई कर दीजिए। अब देखिए औसत वेग जीरो, तो औसत वेग यहाँ पर कर दीजिए जीरो, और ये टी आई जो है अंतराल है जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में टकराहट होती है, तो उस टकराहट के लिए जो समय अंतराल होता है उस समय अंतराल को, औसत जो समय अंतराल है उसको टाव से डिनोट करते हैं, औसत समय अंतराल को। तो यहाँ पर टी आई की जगह पर टाव कर दीजिए, टाव, तो ए इंटू टाव, तो ए की जगह पर लिखिए क्या है, जो ये मान है ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाव, टाव ये बनाइए, जैसे यहाँ बनाया गया है ये बनाइए। ये आपने बना लिया, बना, यही वी डी। अब देखिए ये वी डी है, यही डिप्ट वेलोसिटी वी डी ई के पदों में, तो स्मॉल ई कैपिटल ई, ये टाव है और नीचे क्या है एम है, क्लियर है, इतना समझ में आया सभी लोगों को, तब नीचे लिखिए, लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, हो गया, तब नीचे लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत नेट आवेश, नेट आवेश चालक के अंतर्गत, चालक के अंतर्गत प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, यदि यदि डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉनों का समूह, इलेक्ट्रॉनों का समूह प्रवाहित होता हो, प्रवाहित होता हो इस प्रकार कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n हो, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में, समय में तय की गई दूरी, दूरी तय की गई दूरी बराबर वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी चाल हो गया, डिप्ट वेलोसिटी, डेल्टा टी समय हो गया, तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, वी डी इंटू डेल्टा टी इतना दूरी हो गया। अब जरा समझिए यहाँ पर, जरा समझ लीजिए फिर से कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का समूह है और ये यहाँ तक आ गए टी समय में, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब सब आवेश होगा ना, सारे के सारे आवेश होंगे ना, तो ये सारे के सारे आवेश निकालने हैं और एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो यह इतना दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वी डी इंटू डेल्टा टी है, समझ लीजिए ये दूरी वी डी इंटू डेल्टा टी है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो आयतन कितना हो जाएगा, इस पूरे का जो आयतन होगा वो ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, इतना आयतन हो जाएगा। अब बताइए एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितने, दो आयतन में दो गुना, तीन आयतन में तीन गुना, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इतना गुना हो जाएगा ना, तो आवेश की जो मात्रा होगा इतना गुना हो जाएगा, क्यों, तो लिखिए
कि अतः इतने दूरी में, इस दूरी में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा बराबर या Q बराबर, ऐसे लिखे Q बराबर N, या इलेक्ट्रॉनों, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E, गुणे E। अब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो N गुणे A गुणे VD गुणे डेल्टा T और इंटू स्मॉल ई, इतना लिखिए पूरा। Q बराबर क्या हो गया आवेश, N इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई, हो गया, यह आवेश हो गया, ठीक है। N इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई, यह क्या हो गया, आवेश की मात्रा हो गया। अगर चालक में धारा I प्रवाहित हो रहा हो, चालक में धारा क्या I प्रवाहित हो रहा है, तो ये Q बराबर आई टी, Q बराबर क्या आई टी, तो लिख लीजिए I इंटू डेल्टा टी बराबर N इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई, तो डेल्टा टी और डेल्टा टी कट जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू ए इंटू वी डी और इंटू ई, ये लिख लीजिए। ये हो गया n इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई, तो ये I हो गया, क्लियर है। अब देखिए इसी में n इंटू ए इंटू वी डी और वी डी की वैल्यू जो अभी निकाला गया था, तो वी डी की वैल्यू क्या निकाला गया था, वी डी अभी आपने निकाला था क्या, माइनस ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपान एम, यही तो निकाला था। यह मान यहाँ पर रख दे वी डी की जगह पर, तो क्या हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई माइनस लिखेंगे और इंटू टाउ, ये टाउ अपान एम और इंटू ई और ये आई है, हो गया। अब ये ए है तो ए से इधर भी भाग दे दीजिए और ए से इधर भी भाग दे दीजिए, दीजिए भाग दोनों तरफ दे लिए, तो ये ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये आई अपान ए तो जे है ना, तो इसको लिख दीजिए जे और यहाँ लिखिए एन, ई में ई का गुणा होगा तो माइनस कर दीजिए, ई स्क्वायर हो जाएगा अपान एम और ये कैपिटल ई इंटू टाव इंटू टाव, हो गया आया। अब जो ये जे है ये भी एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, तो इसको माड में, जे माड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, माड जहां लगा होता है यहां पर माड दर्शाता है मैग्नीट्यूड को, परिमाण को, ठीक है। बराबर यहां पे हो जाएगा क्या, ई स्क्वायर इंटू एन अपान एम और यहां पे हो जाएगा कैपिटल ई, टाव लिख देते हैं यहाँ और कैपिटल ई को माड में लिख देते हैं क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है। ये हो गया फार्मूला, इसको लिख लीजिए जे बराबर एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाव इंटू ई, हो गया ये, लिख लीजिए बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। यहां तक हो गया, बोलिए। अच्छा हो गया, जे बराबर एन ई स्क्वायर एम अपान एम इंटू टाव इंटू ई, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो सिग्मा होता है वो तो आवेश घनत्व को दर्शाया जाता है, जो सिग्मा होता है, सिग्मा स्मॉल सिग्मा, ये किसको दर्शाता है, ये आवेश घनत्व को दर्शाता है, ठीक है। अब जरा देखिए कि हमें पता है कि जो आप जानते हैं कि यह आवेश घनत्व जो होता है वह अगर E बराबर होता है तो E बराबर लिखा जाता है जे, जैसे आप लिखते हैं ना कि जो भी वैल्यू होता है
आवेश घनत्व के लिए, तो वो लिखते हैं E बराबर J इंटू रो, ये लिखा जाता है E बराबर J इंटू रो। अब ये रो जो है, जब J बराबर लिखा जाता है J बराबर, तो E अपान रो, तो ये रो को वन अपान रो को ही कहा जाता है सिग्मा। सिग्मा क्या है, चालकता है, और इंटू E, तो ये J बराबर सिग्मा इंटू E। तो यहाँ पर देखिए कि जो J है, ठीक है, जो ये आया है, तो इसमें जो है ये J हो गया और यही J बराबर E हो गया, तो E तो है ही, और जो ये हो जाएगा यही स्मॉल सिग्मा हो गया, तो इसमें स्मॉल सिग्मा बराबर हम लिखेंगे E स्क्वायर N इंटू टाव अपान क्या M, क्योंकि J बराबर होता है स्मॉल सिग्मा इंटू E। J बराबर क्या होता है, स्मॉल सिग्मा इंटू E, या इसको आप लिखे रहिए, अभी आगे जब ओम्स का ला बताएंगे, ओम्स नियम बताएंगे, तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ओम्स ला बताएंगे तब ये इसका जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को ओम्स ला में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि इतना बराबर कैसे आया। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि J बराबर ये, E बराबर ये लिख लीजिए, इतना होता है, तो J बराबर इस तरह लिखा जाता है रो, और वन अपान रो को स्मॉल सिग्मा चालकता होता है, रो प्रतिरोधक गुणांक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, और वन अपान रो होता है तो वो स्मॉल सिग्मा होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को कहा जाता है चालकता, और यही है चालकता। तो यहाँ पर ये J बराबर इसी से तुलना कर दिया जाए, इसी जे ई से, तो ई है ही, और जो ये है वो स्मॉल सिग्मा है, इसीलिए इसको स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उम्मीद होगा कि ये समझ में आ गया होगा आपको, यदि समझ में ना आया हो तो तुरंत बताइएगा, फिर बताएंगे हम इसको, कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, फिर से बताएंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो, लेकिन एक बार आप बुक भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स ला, ओम का नियम, ठीक है, ओम्स ला, ओम ने क्या कहा, ठीक है। तो जो धारा का प्रवाह होता है, जो धारा का प्रवाह होता है, वह देखा जाता है कि चालक में धारा का जो प्रवाह होता है, तो चालक के सिरे जो हैं, जैसे ये चालक है और चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो यहाँ पर विभव V1 है, यहाँ पर विभव V2 है, तो इसके बीच का जो अंतर होगा V2 माइनस या V1 माइनस V2, इसको कहा जाता है विभवांतर, डेल्टा V है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, विभवांतर। तो जो ये विभवांतर होता है, ठीक है, ये देखा गया है, ओम्स ने इसको देखा कि किसी भी चालक में जब धारा का प्रवाह होता है, तो तार के या चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, ठीक है, वो उसमें बहने वाली धारा के अनुपात में होता है, धारा अधिक विभवांतर अधिक, धारा कम विभवांतर कम, तो ये धारा के अनुपात में होता है, डेल्टा भी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। ये सबसे पहले ओम्स ने ही देखा, और इसी को डेल्टा भी बराबर होता है, तो R इंटू आई, तो जो ये R है इसी को कहा जाता है प्रतिरोध, इसी को कहा जाता है क्या, प्रतिरोध। तो ये चालक का प्रतिरोध होता है, अगर ये प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का प्रवाह कम होगा, जैसे I बराबर हो जाएगा डेल्टा भी अपान R, अगर ये R अधिक हुआ तो I कम होगा, R कम होगा तो I ज़्यादा होगा, तो ये प्रतिरोध पर ही निर्भर करता है, और प्रतिरोध जो है अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। अब उसमें जो है, इसमें जो है, जो वैद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो जो प्रतिरोध होता है, यह प्रतिरोध बाद में चलकर देखा गया कि यह प्रतिरोध जो होता है वो धातु के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये प्रतिरोध धातु के प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग धातुओं के लिए समान मोटाई के तार हों, चालक हों, अलग अलग धातु का हों,
और अलग अलग लंबाई का हो तो अलग अलग प्रतिरोध होता था। यदि सपोज दैट अगर समान लंबाई हो, समान क्षेत्रफल हो, तो लंबाई भी मोटाई भी दो अलग अलग धातुओं का बराबर है लेकिन अलग अलग धातु के चालक हैं, तो देखा गया कि उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर था वो अलग अलग था। इसका मतलब कि धारा तो सेम है तो प्रतिरोध जब अलग अलग विभवांतर है, जबकि वही धारा दिया जा रहा था परंतु अलग अलग जो है विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, तो ये निर्भर किया किस पर? प्रतिरोध पर। इसका मतलब कि उसके प्रतिरोध अलग अलग थे, तभी समान धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर सिरों के बीच में अलग अलग आ रहा था। इसलिए उस समय ये देखा गया कि यह जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो जो प्रतिरोध R होता है वो होता है रो इंटू एल अपान ए, यानी ये देखा गया कि लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, क्षेत्रफल कम करते हैं तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। यह जो है क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल घटाने पर अर्थात तो उसकी मोटाई तार का। और जो ये रो है, ये रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और यह विशिष्ट प्रतिरोध, यह रो जो है ये अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है परंतु एक ही धातु के लिए यह रो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अलग अलग धातु के लिए रो का मान अलग अलग, परंतु एक ही धातु के लिए रो का मान एक निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। एक धातु होगा तो रो निश्चित होगा, अलग अलग धातु होगा तो रो क्या होगा? अलग अलग। ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो R है, कैपिटल R है, वो निर्भर कर रहा है L पर भी। लंबाई बढ़ेगा तार का, एक ही धातु है परंतु अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, अर्थात इसकी मोटाई, जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसकी बात हो रही। ये क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिए तो इसका मतलब इसमें स्पेस ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध कम हो जाता है, और क्षेत्रफल कम कर दिए तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अब पतला तार होगा तो उसका क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होता है, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्षेत्रफल को ही बढ़ाने के लिए, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक मोटा तार न बनाकर पतले पतले कई तार बनाकर एक दूसरे से लपेटा जाता है। आप देखे होंगे कि पतले पतले तार जो बनाए जाते हैं, पतले पतले तार होते हैं परंतु उसको कई बार लपेटा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो ये बढ़ जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाए? पतला पतला तार होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा ये एक तार के लिए तो प्रतिरोध तो अधिक हो जाएगा। अब प्रतिरोध अधिक होता धारा नहीं बहेगा। कब? जब ये एक ही मोटा तार होता तब। लेकिन जब कई तार पतले पतले मिलाकर बनाए जाते हैं तो ये क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है। ये जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजन है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जो तार होता है उस तार का तनाव, जो तनाव है पृष्ठ तनाव, वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। किसके वजह से? जब कई पतले पतले तार लपेटेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसकी तनाव बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा तो मजबूती बढ़ जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगा तो जल्दी से वो टूटेगा नहीं। तमाम रीजन होते हैं जिसके कारण पतले पतले तार ही बनाकर लपेट जाते हैं अधिक से अधिक। ठीक है। अब ये जो रो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और किसी भी धातु के लिए वन अपान रो का व्युत्क्रम जो होता है उस धातु का चालकता कहलाता है, जिसे स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल सिग्मा से। तो स्मॉल सिग्मा बराबर होता है वन अपान रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम
किसी भी धातु का चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकता। क्लियर है? अब रो इंटू एल अपान ए, अब इसी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इसको ओम्स लॉ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे चला जाएगा। तो लिखिए ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम। और इसमें लिखिए किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समान अनुपात में होता है, बहने वाली धारा के समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर डेल्टा भी हो, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर डेल्टा भी हो, डेल्टा भी हो, तो नहीं बल्कि तथा लिखता था, इसमें बहने वाली धारा आई हो, इसमें बहने वाली धारा आई हो, तो डेल्टा भी प्रोपोर्शनल आई होता है, होता है, अथवा डेल्टा भी बराबर आर इंटू आई, डेल्टा भी बराबर आर इंटू आई, आर इंटू आई, जहां आर एक नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, स्थिरांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, अतः R बराबर डेल्टा भी अपान आई, डेल्टा भी अपान आई, डेल्टा भी अपान आई। अब देखिए इसका डेल्टा भी का यानी विभव का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, तो आर का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, लिख लीजिए वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहा जाता है, जिसे ओम कहा जाता है, इसे ऐसे बनेगा उल्टा गगरी, ऐसे से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, ओम को ऐसे इससे प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। से प्रदर्शित किया जाता है, हो गया? लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए तार का प्रतिरोध आर, तार का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई के समानुपाती, आर प्रोपोर्शनल एल, चालक की लंबाई के समानुपाती तथा चालक के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती आर प्रोपोर्शनल वन अपान ए होता है अतः लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, ऐसे लिखिए आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, या आर बराबर लिखिए और ये रो लिखिए और एल अपान ए करिए, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए हो गया। अब लिखिए जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, यह एक ही धातु के लिए कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, यह एक ही धातु के लिए स्थिर होता है, परंतु अलग अलग धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध रो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, एक ही धातु के लिए स्थिर होता है, परंतु अलग अलग धातु के लिए यह अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, हो गया। नीचे लाइन छोड़कर लिखिए धातु का चालकता, चालकता इसे लिखिए किसी भी धातु के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी भी धातु के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम धातु का चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है, इसे स्मॉल सिग्मा, ऐसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, फिर ये अभी इसी में लिखना है। अब देखिए जरा कि ये रो का मात्रक क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे आर है तो इंटू ए अपान एल, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, आर का मात्रक ओम, और मीटर स्क्वायर में मीटर से भाग देंगे तो एक मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, हम क्या लिखेंगे ओम मीटर, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो ओम मीटर हो गया। अब यहाँ पे आइए कि इसका अगर निकाला जाए रो, तो स्मॉल सिग्मा, तो ये वन अपान रो है, तो वन अपान रो है, इसका मतलब है कि वन अपान नीचे लिखेंगे ओम, तो ये ओम मीटर है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा ना, तो इसको हम विशिष्ट चालक का मात्र, चालकता का मात्रक क्या कहेंगे, कि ये हो जाएगा कि विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स ओम पर माइनस वन और इंटू मीटर पे माइनस वन।
ये हो जाएगा चालकता का मात्रक। ठीक है, तो लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर तथा तथा चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स व मीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है, या इसी को प्रति ओम मीटर कहेंगे, प्रति ओम मीटर, इसी को प्रति ओम मीटर भी हम कह सकते हैं, होता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम एक फार्मूला डेरिवेट करते हैं जो अभी पीछे हमने बताया। तो चलिए, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, R का मान पता है कि R का मान क्या है, तो R बराबर है रो इंटू एल अपान ए। अच्छा, V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R। चलिए I इंटू R, R का मान रख देते हैं रो इंटू एल अपान ए, ये V है, क्लियर है। अब आप देखिए, जब L यहाँ पर आ जाए तो V अपान L बराबर I इंटू रो अपान A हम लिखेंगे। अब देखिए, V अपान L क्या होता है, E हो गया, V अपान L क्या हो गया, E। तो देखिए, V अपान L आपको बताया जा चुका है कि E बराबर होता है डेल V अपान डेल L, तो यहाँ पर आ गया, तो E V अपान L, जो यहाँ L था वो नीचे ला दिए, तो E हो गया, E बराबर हो गया I, ठीक है I, और नीचे हो गया क्या I अपान A, और ये क्या हो गया रो हुआ। अब देखिए, जब ये रो हो गया तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये रो जब इधर आ जाए तो ये I अपान A तो J हो गया। अब चलिए, ये रो जब इधर आ जाएगा तो E अपान हम रो कर दें और इधर लिख दें I अपान A, तो ये तो J हो गया, तो हम इसको लिख दें J, इसको लिख दें क्या J लिख दें, क्यों, तो ये हो गया J, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि J और इधर हो जाएगा E। अब L से इधर गुणा कर दें, L से इधर गुणा कर दें, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि E और ये वन अपान रो है, तो इसको हम कर दें स्मॉल ये सिग्मा, चलकता आ गया, तो J। अब यही चीज वहाँ पर हमने लिखा था कि J बराबर क्या है, तो J बराबर यहाँ पर आ गया कि स्मॉल सिग्मा इंटू E, ठीक है, और वहाँ पर जो J बराबर आया था तो इसी से हमने कंपेयर किया था, तो लिख लीजिए, ये रिलेशन बना लीजिए, ठीक है, कि R बराबर रो इंटू एल अपान ए, भी बराबर I इंटू R से, तो भी बराबर I, R का मान ये रख दीजिए तो रो इंटू एल अपान ए, फिर भी अपान एल कर दीजिए तो I इंटू रो अपान ए, ये हो गया E, ये हो गया I अपान ए इंटू रो, I अपान ए को J, तो ये लिख दीजिए। हो गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ये समझ में आ गया J का रिलेशन, J बराबर स्मॉल सिग्मा इंटू E, क्लियर है, आया समझ में सभी लोगों को। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुआ हो, न समझ में आया हो, तो फिर से बताइएगा, अभी इसी पर हम एनालिसिस करेंगे, अभी आगे नहीं निकलना है, अभी हमको इसी पर एनालिसिस करेंगे, इससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो अब कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल बताएंगे, पर इस पर अभी जो बचा है उस पर बताने के बाद, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कल अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे निकला जाएगा, ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।